शांति। आज अव्यक्त बाप दादा हम बच्चों को मन को सदा तंदुरुस्त रखने की युक्तियां बताते हैं। जिसका मन तंदुरुस्त है उसका तन भी आप ही तंदुरुस्त हो जाता है। जैसे तन को तंदुरुस्त करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे बाप दादा कहते हैं कि मीठे बच्चे मन को एक्सरसाइज करने के लिए भी मन को तंदुरुस्त करने के लिए भी एक्सरसाइज करो। जो मन के ऊपर बोझ है, वेट है, उसको खलास कर दो, एकदम हल्के बन जाओ और उड़ करके बाबा के पास आ जाओ। बाबा ने जो पांच स्वरूपों की ड्रिल सिखाई है उसके ऊपर ये आज की सारी मुरली। बाबा कहते हैं मन को दुरुस्त रखने के लिए बीच बीच में, ज़्यादा टाइम नहीं, बीच बीच में 5 सेकंड भी निकाल कर मन की एक्सरसाइज करो, सिर्फ 5 सेकंड। देखना कितना अच्छी शुरुआत। आज दूर देशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने के लिए आए। दूरदेशी बाप दादा अपने साकार दुनिया के भिन्न भिन्न देशवासी बच्चों से मिलने के लिए आए। बाप भिन्न भिन्न देशवासियों को एक देशवासी देख रहे हैं। भले भिन्न भिन्न देशवासी हैं परंतु सब एक ही देशवासी है। जो बाप का घर वही तो हमारा घर है, चाहे कोई कहाँ से भी आए, लेकिन सबसे पहले सब एक ही देश से आए, एक ही निराकारी देश से सब आए हुए हैं। तो अपना अनादि देश याद है। जब बहुत समय देश को छोड़ देते हैं ना तो भूल जाते हैं, इसीलिए बाबा पूछ रहे हैं तुम्हारा जो अनादि देश है वो याद है या अभी जहाँ है वो ही याद है तुम। प्यारा लगता है ना, अपना अनादि देश प्यारा लगता है ना। बाप के साथ साथ अपना अनादि देश भी बहुत प्यारा लगता है। यहाँ भी कोई किसी गांव के होते हैं ना तो उनका अपना गांव बहुत ही याद रहता है, इसीलिए कुछ भी करके वहाँ की सेवाएं ज़रूर कराते हैं। हमारे गांव वालों का उद्धार होना चाहिए क्योंकि हम वहाँ के हैं। तो ये बाबा कहता है देखो जहाँ रहते हैं वहाँ से प्यार हो जाता है, तुम्हारा अनादि देश तो वो है। बाप दादा आज सब बच्चों के 5 स्वरूप देख रहे हैं। जानते हो 5 स्वरूप कौन से हैं? सबको ड्रिल याद है या भूल गई? पूछ रहा बाबा, याद है ना सबको? पक्का याद है। अभी अभी सब ये ड्रिल करो, लगाओ चक्कर, चलो लगाओ भाई चक्कर 5 स्वरूप का, फटाफट 5 सेकंड में लगाओ। मालूम है ना, पहले चलो अपने अनादि स्वरूप की तरफ, मूल वतन की तरफ, फिर आ जाओ नई दुनिया में, आ जाओ सत्ययुग में, देवता रूप में आ जाओ, फिर पूज्य स्वरूप में आ जाओ, फिर संगम पर आ जाओ, सर्वश्रेष्ठ स्वरूप संगम का ब्राह्मण बन जाओ, फिर फरिश्ता बन जाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं को बाप समान बनाने वाले
सदा बाप के नयनों में, दिल में, मस्तक में समीप रहने वाले, सदा एक बाप के संसार में रहने वाले, सदा हर कदम में बाप दादा को फॉलो करने वाले, सदा विजयी थे, विजयी है और विजयी रहेंगे, ऐसे निश्चय और नशे में रहने वाले, ऐसे अति श्रेष्ठ शिकिल दे प्यारे ते प्यारे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते वरदान। हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जान करके, हर सेकंड के हर संकल्प का महत्व जान करके, जमा का खाता भरपूर करने वाली समर्थ आत्मा भव। जमा का खाता भरपूर उसका होता है जो हर सेकंड और हर संकल्प का महत्व जानता है। एक सेकंड में बाबा कहाँ का कहाँ चक्कर लगाता है, संकल्प में कितनी शक्ति है बताते हैं ना। ब्रह्मा ने एक संकल्प उठाया, नई सृष्टि रच दी है। तो हम ब्राह्मणों के संकल्पों में भी बहुत शक्ति है, इसीलिए संकल्पों के ऊपर भी बाबा हम बच्चों को हमेशा अटेंशन खींचवाते हैं। संगम युग पर अविनाशी बाप के द्वारा हर समय अविनाशी प्राप्तियां होती है। सारे कल्प में ऐसा भाग्य प्राप्त करने का ये एक ही समय, इसीलिए आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। ये रोज़ खुद के साथ रिपीट करना चाहिए। जो भी श्रेष्ठ कार्य करना है वो अभी करना है। इसी स्मृति से कभी भी समय, संकल्प व कर्म व्यर्थ नहीं गंवाने हैं। समरस संकल्पों से जमा का खाता भरपूर हो जाएगा और आत्मा समर्थ बन जाएगी। जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएगा। स्लोगन है, हर बोल हर कर्म की अलौकिकता ही पवित्रता है। साधारणता को अलौकिकता में परिवर्तन कर दो। हम ब्राह्मण हैं ना, हमारे हर बोल हर कर्म ये अलौकिक होने चाहिए, लोकवासियों की तरह नहीं होने चाहिए। जैसे लोग बोलते हैं, चलते हैं, करते हैं, वो हम नहीं कर सकते। अव्यक्त इशारा 30 नंबर। जैसे शारीरिक व्याधि कर्म भोग अपनी तरफ बार बार खींचता है, दर्द होता है तो खींचता है, शरीर में कोई भी दर्द होगा तो अपनी तरफ खींचता है ना, बार न चाहते भी खींचता है। तो कहते हो क्या करें, वैसे तो ठीक है लेकिन कर्म भोग कड़ा है। ऐसे कोई भी विशेष, अभी देखो क्या समझाता है बाबा इसके ऊपर, ऐसे कोई भी विशेष पुराना संस्कार या स्वभाव व आदत अपनी तरफ खींचती है तो वो भी कर्म भोग हो गया। सुना, शारीरिक बीमारी न चाहते भी दर्द होता है तो अपनी तरफ खींचता है ना ये शरीर, बुद्धि जाती है माँ। तो उसी प्रकार बाबा कहते हैं कोई भी पुराना संस्कार है, स्वभाव है, आदत है, वो भी क्या करती है, वो भी बुद्धि का युग बाबा से लगने नहीं देती, वो भी घड़ी घड़ी अपनी तरफ खींचती है। तो ये भी तो कर्म भोग ही हो गया, और क्या हो, ये भोगना ही है ना संगम युग पर, और क्या हुआ है। ईश्वरीय याद नहीं रही, अतीन्द्र सुख नहीं रहा तो भोगना होगा। कोई भी कर्म भोग कर्म योगी नहीं बना सके, कर्म योगी नहीं बना सकेगा कोई भी कर्म भोग होगा। इसीलिए बार बार अशरीरीपन की ड्रिल करते शरीर के भान को छोड़ते जाओ। शरीर का भान छूटा तो पुराना स्वभाव भी छूटेगा। ओम शांति।